तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ टिकटॉक के लिए एक और न्यूट्रन नेमट वीडियो के ट्यूटोरियल लेके। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक एटीट्यूड नेमट स्टेटस है, और अगर गाइस आप भी चाहते हैं कि आप इस तरीके का जो सा नेमट है वो अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके और टिकटॉक के ऊपर अपलोड करके लाइक्स और फॉलोवर जो इंक्रीज कर सके, तो ये मेरी वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखनी होगी। तो गाइस ये जो सा गाइस एक बिल्कुल न्यू ट्रेंड, अभी तक गाइस इसको किसी ने भी नहीं अपलोड किया, और अगर गाइस आप इसको सबसे पहले क्रिएट करके अपलोड करते तो गाइस मुझे पक्का यकीन है कि आपकी जो सी वीडियो है वो लाजमी वायरल हो सकती है। तो गाइस इस नेमार्ट के अंदर जो सी इमेजेस यूज़ हुई है वो गाइस बाकी नेमार्ट की निस्बत बिल्कुल यूनिक है, तो इस वजह से गाइस ये जो सी वीडियो है आपकी वायरल होने के चांस है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले आपने जो सा अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे साइज जो सा कि आपने यूट्यूब थंबनेल चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे गई जो सा मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे कमेंट सेक्शन में, तो वो गाइस क्वेश्चन ये है कि आप ये जो सा तरीका हमें पिक्सल लैब के ऊपर समझाते हैं वो आप हमें काइन मास्टर के ऊपर समझाया करें। तो उनके लिए गाइस ये जवाब है कि अगर मैं गाइस ये जो सी इमेजेस होती है ब्लैक बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड को ब्लैक बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना, तो गाइस वो जो सा है काइन मास्टर के ऊपर नहीं हो सकता। अगर होता है तो गाइस बहुत ज़्यादा गाइस आपको ब्लेंडिंग वगैरह मोड जो सा यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से गाइस लेयर जो सी है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और हो सकता है आपका काइन मास्टर जो सी ज़्यादा लेयर को सपोर्ट ना करे, तो आपकी जो सी वीडियो है वो गाइस बार बार आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी और रेजोल्यूशन का भी गाइस बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा। अगर गाइस डायरेक्ट आप पिक्सल लैब के ऊपर क्रिएट करते हैं तो उसका ये है कि आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाके सिर्फ एक बैकग्राउंड चूज़ करना पड़ेगा और गाइस आपको कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से गाइस मैं आपको जो सा ये पिक्सल लैब के ऊपर सारी चीज़ें क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो वीडियो को गाइस आगे बढ़ाते हैं, प्लस वाले आइकॉन के ऊपर जाना है, शेप वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे गाइस आपने शेप का कलर जो सा गाइस आपने ब्लैक चूज़ कर लेना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपने जो सा इसका साइज़ इतना बढ़ा लेना जितनी गाइस आपकी स्क्रीन है। तो यहाँ पे गाइस जो सा मैं इसका साइज़ है वो गाइस बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बढ़ाने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे जो सी इमेजेस यूज़ करनी है, तो जितनी भी इमेजेस है उनका उन सारों का लिंक गाइस जो सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है, तो गाइस आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं गाइस प्लस और फ्रॉम गैलरी से एक इमेज जो सी वो गाइस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो गाइस इमेज जो सी मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, ये गाइस मैंने सारी एडिट करके रख दी थी ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और इसको जो सा गाइस मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया था इसका बैकग्राउंड, इसका साइज जो सा गाइस आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब मैं गाइस जो सी यहाँ पे दूसरी इमेज ऐड करूँगा, तो यहाँ पे गाइस मैंने एक और इमेज जो सी ऐड कर दी है, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, और उसके बाद गाइस जो सा मैं इसका साइज जो सा वो गाइस थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। ये गाइस मूव हो रहा है तो इसलिए गाइस मैं लेयर के ऊपर जाके इसको लॉक लगा दूँगा ताकि ये मूव ना हो। उसके बाद गाइस जो सा इसको मैं कुछ तरीके से यहाँ पे ऐड कर दूँगा, साइज जो सा थोड़ा सा बड़ा करके कुछ तरीके से गाइस ऐड कर दूँगा ताकि जो सा आपका नेम आर्ट है वो गाइस इस तलवार के अंदर पूरे तरीके से एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे गाइस मैंने ऐड कर दिया है, इसका साइज थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐड कर दूँगा। अब गाइस आपको यहाँ पे जो सा नेम यूज़ करना है, तो नेम गाइस आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो गाइस मैं आपको बताता हूँ। प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे कि जो सा आपने अपना नाम है वो गाइस आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे कि जो सा मैं अपना नाम है वो गाइस मैं लिख लेता हूँ, सामान नाम लिख लिया है, डन के ऊपर क्लिक करूँगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करूँगा, ओके के ऊपर जाऊँगा, और उसके बाद जो सा गाइस यहाँ पे साइज जो सा वो गाइस मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। बढ़ाने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे जो सा नेम है वो गाइस आपको कर्व करना है। कर्व का गाइस आपने कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ पे गाइस आपने ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कर्व का, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको गाइस आपने बैक की तरफ लेके जाना है कुछ इस तरीके से, बैक की तरफ ले जाने के बाद आपने गाइस देख लेना है कि आपने इसको कितना बढ़ाना है। तो यहाँ पे गाइस ये फिट आ चुका है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आपने यहाँ पे जो सा फाउंड है वो गाइस आपने ऐड करना है, फाउंड गाइस आप अपनी पसंद का यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो सा गाइस आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फाउंड जो सा गाइस मैं यहाँ पे ये वाला ऐड कर लेता हूँ, जो सा गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ थोड़ा बोल्ड है, तो ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से गाइस आ चुका है, लेकिन ये जो सा हमारा नेम है ये गाइस ठीक तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मुझे जो सा गाइस इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा ताकि ये जो सा नाम है ये गाइस पूरे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं नाम जो सा गाइस हमारा कुछ तरीके से एडजस्ट हो चुका है, और अब उसके बाद गाइस जो सा यहाँ पे तरवार वाला जो सा गाइस इमेजेस है वो गाइस मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ कुछ तरीके से ताकि ये पूरे तरीके से यहाँ पे ऐड हो सके। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गाइस जो सा हमारी वीडियो है वो गाइस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब गाइस आपने इन सारी जो सी इमेजेस है उनको गाइस आपने मर्ज कर देना है, लेयर के ऊपर जाना है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन सालों को गाइस आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने गाइस मर्ज वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको गाइस मर्ज कर लेना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे गाइस आपने जो सा है इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, यानी कि इरेज कलर कर देना है। उसके बाद गाइस आपने अनेबल कर देना है, अनेबल करने के बाद ट्रोलेंस जो सा गाइस आपने फुल बढ़ा लेनी है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। चौथे वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसको गाइस जो सा आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है, ट्रांसपेरेंट करने के बाद ये गाइस आपने इमेज जो सेव कर लेनी है, सेव करने के बाद गाइस आपने अपना काइन मास्टर जो सा है वो गाइस आपने ओपन कर लेना है।
तो गाइस स्क्रीन मास्टर जो मैंने ओपन कर लिया है, अभी से आपने मीडिया ब्राउजर के ऊपर जाके यहाँ पे किसी एक फायर वाली वीडियो जो है वो ऐड कर लेनी है। तो उस फायर वाली वीडियो का गाइस लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप गाइस उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो मैं फायर वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ, तो गाइस फायर वाली वीडियो जो मैंने ऐड कर ली है, लेयर और मीडिया पे जाके गई इसमें वो वाली इमेज ऐड करूँगा जो गाइस मैंने पिक्सल लैब के ऊपर क्रिएट की थी। तो यहाँ पे गई इसमें जो है वो वाली इमेज ऐड कर दूंगा। इमेज ऐड करने के बाद इसका साइज जो है गाइस मैं फुल स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा। कुछ तरीके से कन्वर्ट करने के बाद गाइस ये जो है हमारी वीडियो है ये गाइस क्रिएट हो चुकी है। अब गाइस आपने इस लेयर को वहाँ तक बढ़ा लेना जितनी गाइस आपकी वीडियो है। बढ़ाने के बाद अगर गाइस आप यहाँ पे कोई और इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं ताकि ये वीडियो जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, तो यहाँ पे इसमें एक और वीडियो जो है ऐड कर लेता हूँ। तो ये गाइस एक इफेक्ट है। अब गाइस आपने इस इफेक्ट को ऐड करने के बाद क्रोमा की वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। अब गाइस यहाँ पे जो है ब्लेंडिंग मोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइस जिस तरह आपकी मर्जी। तो यहाँ पे गाइस जो है मैं ब्लैक चूज़ कर लूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको अनेबल कर दूँगा। अनेबल करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं गाइस जो है यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट कर दूँगा। कुछ तरीके से कन्वर्ट करने के बाद गाइस ये जो है हमारी वीडियो है ये गाइस क्रिएट हो चुकी है। अब गाइस आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।